तो ये उस जमाने की बात है जब हमारी जिंदगी में टिली नाम की एक आफत आ गई थी। प्रेरणा, वो आफत ना हमारे घर आई नहीं थी चल के, हम उसे खुद लेके आए थे घर पे। तूने ही कहा था ना हर्ष, हर डॉल अपना मालिक खुद चुनती है। टिली ने भी चुन लिया हमारा घर, हमें परेशान करने के लिए, हमें दर्द देने के लिए, तकलीफ देने के लिए। ये डॉल वॉल तो सिर्फ ना बोलने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से हमारी जिंदगी में कुछ थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हलचल चल रही थी, जिसको हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। कोई भी वैसे प्रिपेयर्ड नहीं होता ऐसी चीजों के लिए। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही थी, उसके लिए हम डेली वर्कआउट कर रहे थे, एकदम 1 2 3 जिम चल रहा था, फुल ऑन अच्छी डाइट ले रहे थे। अभी वो प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे बताएंगे, अभी तो थोड़ा होल्ड पे चला गया है। तो बस ऐसी प्रेरणा रोज मेरी रील बना बना के डाल रही थी जिम की। तो मैं इसको कह रहा था यार, जब भी मैं से वीडियोस बना के डालता हूं अपनी जिम की एक्सरसाइज वाली, उसके बाद ना कुछ हो जाता है और मेरी जिम रुक जाती है। तो ये डे 1 डे 2 डे 3 वाली ना रील्स बना रहा था रोज, और मैं ही बना रही थी बेसिकली। और भाई जो इसने कहा था, मैं मेरे को बोलता था कि यार देखियो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैं ना हमेशा बीमार हो जाता था ऐसा कुछ जिम करने के बाद ना, रेगुलर 5 6 7 दिन करो उसके बाद मैं बीमार हो जाता था या कोई नजर लग जाती थी। मैंने इसको कहा प्रेरणा रहने देते हैं, बोला मैंने कहा यार ये ना नजर वजर वाली चीज है 2022 में ना, मुझे बिलीव नहीं होता है कि नजर लग जाती है ऑल सा स्टफ। एक दिन सडनली रात को क्या होता है, मैं और हर्ष ऐसे ही ड्राइव के लिए बाहर जाते हैं, जब हम खा भी घर का ही रहे थे प्रॉपर घर पे हेल्दी खाना बना के। तो उस दिन क्या हुआ था, मेरी मॉर्निंग की डाइट थी, मैंने खाया था ब्राउन राइस जिसके अंदर बहुत सारी ब्रोकली कॉर्न्स वेजेस डाल के खाए थे। दोपहर मैंने खाई थी रोटी और दाल मखनी जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। और रात में हमने क्या खाया था, मैंने हर्ष को बोला कि मेरा ना कॉफी पीने का बड़ा दिल कर रहा है और आज घर की नहीं बाहर की कॉफी पी के आते हैं। तो हम कॉफी पीने के लिए 15 मिनट्स की ड्राइव करके घर से गए, तो वहाँ पे मैंने कॉफी ऑर्डर करी। हर्ष ने खुद बोला कि यार यहाँ पे ना मतलब रश भी नहीं लग रहा, यहीं से कॉफी ले ले और कुछ खाने का मन है तो कुछ खा भी ले। तो मैंने कॉफी के साथ साथ हमस पीता फलाफल और साथ में कुछ सैंडविचेस मंगा लिए। भाई हमने तो ना अपना पेट भर के वहाँ पे मस्ती से सारा खाना वाना खाया, एंड हमें एक्चुअल में टर्की की याद आ गई कि यार क्या यमी फलाफल है। और मतलब खाली पड़ा था रेस्टोरेंट, क्यों खाली है, यहाँ पे तो लोग होने चाहिए। बट उसी रात हमारा जो पोपट हुआ जो यार, हम ना खा के आ गए, आराम से बैठे हुए, आई थिंक 9:30 बजे थे रात के। इसने कहा मेरे को ना मूवी देखनी है, वो ट्रेन टू बुसान। हाँ मैंने कहा यार वो तो मैंने देखी नहीं, चल इसने कहा लगा देते हैं। मैं देख रहा हूँ वो क्या अमेजिंग मूवी थी, सारे ज़ॉम्बीज बने जा रहे हैं, एक दूसरे को खाए जा रहे हैं हा करके। मैं कहा ठीक है अच्छा अच्छा चल रहा है। तो 12:30 बजे थे, 12:22 हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट टाइम मेरे को याद है। मूवी खत्म हुई, मैंने कहा प्रेरणा मुझे ना कुछ इचिंग हो रही है कान के पीछे, मैं इचिंग हो रही है, रेड रेड होने लग गया। मैंने कहा मुझे ना एलर्जी हो गई, और ये एलर्जी मुझे ना 2 महीने पहले भी हुई थी, बट उस टाइम मैंने एलेग्रा खाई और वो ठीक हो गई थी। Exactly. और एक इंजेक्शन भी लगवाया था। हाँ मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा प्रेरणा एलर्जी स्टार्ट होगी। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए मेरे हाथों पे आई, मेरी बैक पे हुई, पूरा माथा स्वेल हो गया, बहुत इरिटेशन हो रही थी उस टाइम। तो ये एलर्जी ना हर्ष को आई थिंक 3 या 4 साल पहले स्टार्ट हुई थी वियतनाम में, याद है जब हम मम्मी पापा के साथ गए थे हॉलीडे पे, तब इसको पहली बार वो एलर्जी हुई थी और तब सिर्फ इसके लिप स्वेल करे थे, तब भी लेके सब नॉर्मल हो गया। हमें लगा किसी चीज से लाइक ऑयल की वजह से, बाहर का ऑयल है तब एलर्जी हो गई। और अभी 2 महीने पहले फिर से एलर्जी हुई, तब भी इंजेक्शन लगवाया, मेडिसिन खाई, सब कुछ ठीक हो गया। तो जैसे इसको एलर्जी स्टार्ट हुई, इसने ना मेरे को बोला जल्दी से ला दे। मैं नीचे भागती हुई गई, मैंने कहा लेके आती हूँ, और बाय द टाइम में मतलब उसकी एक्सपायरी वगैरह चेक करती, मैं ऊपर गई, मैंने देखा हर्ष का तो पूरा फेस ही चेंज, मतलब 10 मिनट के अंदर ना सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बता नहीं सकती। मतलब फोटो भी मैंने जबरदस्ती खींची कि मुझे अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एलर्जी जब होती है तब होता क्या है, फेस में क्या चेंजेस आते हैं। तो मुझे फोटो खींचना, मुझसे इतना इरिटेट हो रहा था, मेरी फोटो मत ले, ये मत कर। और उस टाइम तो इतनी घबराहट हो रही थी क्या हो रहा है, तो मैंने क्या किया जल्दी से 10 मिनट वेट किया और कोई असर नहीं हुआ। हम इमरजेंसी में गाड़ी उठाई, मैंने खुद ड्राइव करी, कह रही मैं ड्राइव कर लेती हूँ। मैंने इसको बोला कि यार मैं ड्राइव करती हूँ, कैसी बात कर रहा है, तेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को कह रहे नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा करते चाहते भी नहीं है हॉस्पिटल। मैंने कहा यार तू कैसी बातें करता है, एटलीस्ट हॉस्पिटल चलते हैं, अगर कल को भगवान ना करे एलर्जी बढ़ गई और वो ठीक नहीं हुए लगरा से, फिर चुपचाप मान के खुद जबरदस्ती मेरे से चाबी लेके गाड़ी चला के पहुंचा। हम हॉस्पिटल गए, वहां पे इमरजेंसी में हम पहुंचे, इसको याद है सारी बात। और मैं काउंटर पे खड़ा हुआ था, मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे को ना बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, आप कोई इंजेक्शन वगैरह कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट दे दो। और इतना मैं बोल रहा हूँ, प्रेरणा मेरे साइड पे खड़ी है और ये मैं करके मैं प्रेरणा को बोल रहा हूँ, मेरी ना एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है और मेरे को ऐसे चक्कर से आ रहे हैं। प्रेरणा मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को चक्कर, मैं ऐसे करके हूँ फेंट कर गया और मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ और मेरी एकदम बॉडी ना बिल्कुल छूट गई। और वहाँ पे वो एकदम से एकदम हड़गड़ मच गई, वो स्ट्रेचर लेके आए, उन्होंने स्ट्रेचर मुझे लेटाया, मेरा बीपी कैलकुलेट किया, बीपी नहीं आया, एक हाथ से नहीं आया, दूसरे हाथ से नहीं आया, तब भी मैं ऐसे
एकदम अनकॉन्शियस था, एकदम मैं इसको बोल रहा हूं। बेसिकली शॉक लगा था उस टाइम, और एलर्जी की वजह से ना शॉक भी लग जाता है, ऐसा डॉक्टर ने हमें बाद में बताया। बाद में उन्होंने मेरी तब भी ईसीजी करी, पर ईसीजी में पल्स आ गई। तो भाई साहब ये बेड पे लेटा हुआ एकदम फेंट सा हो गया, फिर भी मतलब जैसे फेंट हुए वाली हालत, जैसे नशा सा नहीं होता, मेरे कोई वो मत लगाना, ये मत करना, वो मत करना, ये वहाँ लड़ रहा है, वहाँ पे सारे हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स लड़ रहा। बेसिकली लड़ नहीं रहा था, इसको भेजा था उन्होंने फॉर्म भरने के लिए, और मैं एकदम ऐसे था और वो मेरे को लेटा रहे, वो ईसीजी कर रहे, और मैं इसको बुला रहा हूँ प्रेरणा प्रेरणा, ये जब तीन बंदे भेजे। अब वो यार ऑब्वियसली अब जो हॉस्पिटल के नॉर्म्स है मैं क्या करूँ, मैं वहाँ अकेली, मेरे को आइडिया भी नहीं था, मुझे लगा नॉर्मल एलर्जी है, एक इंजेक्शन लगवाएंगे घर वापस आ जाएंगे, मुझे बिल्कुल आइडिया, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि भाई वहाँ पे फेंट हो जाएगा, बीपी चला जाएगा, शॉक लगेगा, बिल्कुल हालत खराब हो गई। और जितनी देर में वहाँ से वापस आई, इसने प्रेरणा प्रेरणा पूरा हॉस्पिटल में गा दिया था कि भाई उसको बुला के लाओ, लड़की को जहाँ पे भी है उसे पकड़ के लाओ, तीन बंदे मुझे बुलाने लेके आए। फिर उसके बाद मैं आई वापस, मैं देख रही हूँ उसके मुंह पे सिर्फ पानी पानी, इसको लगा कोई ट्रीटमेंट, मुझे लगा कोई ट्रीटमेंट एलोवेरा वगैरह लगाया होगा, भाई पता नहीं क्या हो गया। बट भाई अभी तो हम हंस हंस के बता रहे हैं, मतलब मेरे को तो हंसी नहीं आ रही, इसी को आ रही है बहुत ज्यादा यार, मेरी रूह कांप गई थी उस टाइम। मतलब मैं इतना हिम्मत वाला हूँ ना, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे गिराऊंगा, मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर विद इन आई थिंक 2-3 मिनट के अंदर मुझे को प्रॉपर होश आ गया, फिर उन्होंने बीपी कैलकुलेट किया, आई थिंक 50-70 आ रहा था, फिर बढ़ता गया, फिर दोबारा से कैलकुलेट किया 60-90। तब तक हमने मैंने अपने भाई को फोन कर दिया था कि एटलीस्ट कोई तो बंदा होना चाहिए, रात के 1:30-2 बजे हुए थे, पता ही नहीं था क्या करें, अब किसको फोन लगाऊं, मुझे लगा सिर्फ अपने भाई को बुला लेती हूँ, एटलीस्ट एक मॉरल सपोर्ट रहेगा। बस फिर यही था कि धीरे धीरे करके इसने रीगेन करा अपना, सब कुछ नॉर्मल हुआ, होश आया, ठीक हुए। 2 घंटे बाद हम वापस आ गए, वापस आए हम घर पे। उस रात तो हम सो ही नहीं पाए, तो सुबह हुआ, सबको बताया कि क्या हुआ था रात को, फिर हम डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने कहा अपने टेस्ट कराओ, मेरे टेस्ट भी कराए, साथ साथ इसके टेस्ट भी बोल दे कराने के लिए। मतलब एक बहाना चाहिए था, मेरे को पिछले एक साल से पीछे पड़ा हुआ है कि तू अपने टेस्ट करा, तेरे सारे टेस्ट खराब आएंगे। डॉक्टर ने मुझे इतना डांटा कि आपने गाड़ी चला के क्यों गए, कह रहे वो शॉक अगर वो 5-10 मिनट पहले आया था जब आप ड्राइव कर रहे थे तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, कितना बड़ा रिस्क है एक्चुअल में कि आप। मैंने सच में रियलाइज किया कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है, और मैं ना इसको कुछ भी कहती नहीं हूँ, नहीं तो ये थोड़ा हाइपर हो जाता है, फिर मेरे को ऐसा लगता है अभी बीमार है, देखो फिर हो गया अभी बीमार है, अभी हाइपर होगा, फिर बीपी शूट कर जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये टिल्ली की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है भाई, टिल्ली हो चाहे पिल्ली हो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि पिछला एक हफ्ता ऐसे गया है कि भाई फिर अगले दिन गए यहाँ पे सुई लगाई, 5 ml का ब्लड निकाला और उसमें भी थोड़ा बहुत बीपी डाउन हो गया था। तो भाई फाइनली टेस्ट करा लिए, अब इंजेक्शन लगवाना, तो बहुत बड़ा फियर है एक्चुअल में सिरिंज का, मैंने ओवरकम करा, लगवाया गया सब कराया, टेस्ट के रिजल्ट आए, ये तो एकदम सही, मेरे सारे रिजल्ट नॉर्मल, सब नॉर्मल, कहीं कुछ भी नहीं, कोई मतलब कोई चीज फालतू होगी, कम कुछ नहीं था। और फंसा कौन मैं, हीमोग्लोबिन कम आ गया बंदी को, बताओ भाई मेरे मतलब बॉडी रेड ब्लड सेल नहीं बना रही, खून की कमी है, आयरन नहीं है, और D3 की कमी है, B12 की कमी है, जो जो कमियां आप सोच सकते हो सारी मैं दुनिया भर की कमियां लेके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। डॉक्टर ने ना इसका CT स्कैन भी लिख दिया, भाई साहब हम इतना परेशान, CT स्कैन यार मतलब बहुत हार्मफुल होता है यार, रेज वगैरह जाती है आपकी बॉडी में, और बड़ा मतलब वो एक लास्ट चीज होती है जो आप कराओ आपके पूरे, मतलब मैं मरने वाली नहीं, मतलब लास्ट चीज की मतलब मैं मर भी सकती हूँ डिटेक्ट करने के लिए ना कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, भाई वो करवाया है। यार देखो मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ, इस वीडियो का एक सिंपल सा बस एजेंडा है बनाने का, पहली बात तो हम अपना अपडेट भी देना चाहते थे, मतलब काफी दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे यही सब हेल्थ की वजह से, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ सब चीजें अपनी जगह है, बट हेल्थ एक ऐसी चीज है भाई, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ, अपना ध्यान रखो। एक्चुअल में मौसम वगैरह बहुत खराब चल रहा है, बाहर खाना वाना अवॉइड करो यार जितना हो सकता है। मैं बस तो वो हमस फलाफल ने पता नहीं क्या कर दिया यार, आई डोंट नो हमस फलाफल, मैं आज के बाद देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ। हमें मतलब एटलीस्ट ये जो रेनी वेदर है ना इसमें तो बिल्कुल ही बाहर का जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। प्रेरणा इतने ज्ञान बांट रही है, फिर तूने कल सरवाना भवन का क्यों खाया? काट दो, कटिंग कर दो यहां से। वो एक्चुअली इसने बहुत सारी दवाइयां ले ली थी इतने दिन से ना, घर के अंदर पैक्ड थी, तो मैंने कहा यार चल आज बाहर निकलते हैं, इतने सारे टेस्ट करा लिए, इतना ब्लड दे दिया, चल तेरे पहले बाल कलर करवाएं। ये मेरा हेयर कलर कराने आया था, तो मेरा तो हेयर कट हो रहा है, अपना भी हेयर कलर करा ले। नहीं, तूने ग्रीन कलर प्रॉमिस किया था। फाइनली मैं अपना हेयर कलर कराने वाली हूँ, डार्क ब्राउन, आजकल बहुत ट्रेंडी है, लेट्स सी क्या होता है। तबीयत वैसे अभी बहुत खराब है, हालत खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बोला भी नहीं जा रहा, शब्द अदल बदल गए हैं मुझे पूरी, मैं पेशेंट लग रही हूँ इस ब्लैक वाले इसमें ना। मत बोल पेशेंट, अभी एडमिट करा के आना पड़ जाएगा। हर्ष तू सो गया? हर्ष, हर्ष तू सो गया?
यार मैं एक्चुअल में जेलस फील कर रही हूँ यार हर्ष, तेरे को बड़ा मजा आ रहा था ना कलरिंग कराने में। 2 seconds later. मैंने बोला भी था हर्ष दूर रह दूर रह। मैं तेरी चेयर के पास आया सारा कलर लग गया। सही यार बढ़िया। घर गया जाऊँ मैं ऐसे। हर्ष यार क्या करता है? No. सारी टी शर्ट जीन्स सब खराब हो गई। पता क्या होगा, तेरे बालों पे कलर आए ना आए पर मेरे कपड़ों पर जरूर आएगा। और उसके बाद फिर इसको ना एक सरवाना भवन ही है जो पसंद आता है, जिसपे इसको डोसा वगैरह पसंद आता है, तो मैंने कहा यार डोसा वगैरह खा ले। बाहर का खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं यार खाया। मैं दहशत में चले गए थे कि ये सब हुआ क्यों। एक्चुअल में हमें अभी तक भी समझ नहीं आया कि मतलब हो सकता है जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है ना तो एक तो अब झटका लगता है। हाँ। कि जाग जाओ। तो देखो लेटेस्ट अपडेट अब यही है कि सब कुछ ठीक है भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से और डॉक्टर की दवाइयों से सब सही हो गया है। बहुत हेल्दी हैं हम दोनों। बहुत मतलब मैं तो हूँ, इसका तो अभी भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है मतलब, पर अभी हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे एंटरटेनिंग। हमारा भी मूड उससे खुश होता है, आप लोगों को एंटरटेन करके हमें भी मजा आता है। और हमारा मुझे लगता है जितना मैं हंसूंगी ना ऐसी वीडियोस में उतना मेरा ब्लड और बनेगा बॉडी में, खून बढ़ेगा। आप भी अपना खून बढ़ाओ, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बाहर का खाना मत खाओ। और इस वीक का सब्सक्राइबर ऑफ द वीक नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।